हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। चलिए फिर जल्दी से सारे लोग जितने भी हैं सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है इतना कंफर्म कर दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। सो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। मींस ऑडियो एंड वीडियो सारे बच्चों को क्लियर है, सारे कैंडिडेट्स को, तो अब हम लोग क्लास को बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग फ्री हैं और आराम से शुरू कर सकते हैं। यस क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपने तो अपना पेपर चेक कर लिया होगा, तो आई विश कि आप मुझे अपना स्कोर बताएं। एंड इवन मैं एक पोल भी लेने वाला हूँ ऑन टेलीग्राम एंड एज वेल एज ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक पोल होगा, उस पोल में आपको अपना जो स्कोर है वो एटलीस्ट मतलब सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस होंगे, सो जितना आपका स्कोर होगा मिडिल में भी जितना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जल्दी ही ये पोल गाइज आपको दिखेगा कहां पर, तो हमारे टेलीग्राम पर एंड एज वेल एज ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वहां पर अपना जो भी स्कोर है आपका वो अपना स्कोर आप शेयर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, होगा ना, बहुत बढ़िया। चलो ओके, चलो अगर आप रेडी हैं तो क्लास शुरू करें फिर हम। मैं शेयर कर रहा था बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट शेयर कर देंगे और नहीं भी शेयर करेंगे, है ना, इसीलिए। सो गाइज, मैं आज के सेशन में जो आपका दिसंबर 2023 का जो यूजी सीनेट एग्जाम था, सो दैट पेपर गाइज वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और जो भी आपकी आंसर की आई है एंड कुछ क्वेश्चन हैं जो उसमें से इनकरेक्ट हैं, तो हम सारी चीजों पर बातचीत करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके आज के सेशन में कराऊंगा एंड द नेक्स्ट वन सेशन ऑन नेक्स्ट डे वी विल हैव, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट मिलेगा एंड एज वेल एज गाइस जो भी न्यू कैंडिडेट हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी सीनेट एग्जाम, तो एटलीस्ट आपको पैटर्न पता चलेगा द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वर पार्ट ऑफ योर यूजी सीनेट एग्जाम जो लेटेस्ट था दिसंबर 2023 का, ठीक है। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, तो आप गाइज लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करके, अभी ऑफर चल रहा है 5th ऑफ दिसंबर तक ऑफर रहेगा लिटरेचर लवर्स ऐप पर सारे कोर्सेज पर, ऑल द कोर्सेज टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सेट एग्जाम। और यूजीसी नेट के लिए गाइज ये संकल्प बैच है, ओके। तो ये संकल्प बैच आप में से जो भी कैंडिडेट लेना चाहे ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करके इस बैच को आप ले सकते हैं। और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी गाइस हमारे पास कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं लिटरेचर लवर्स ऐप पर, तो आपको सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं इस सेशन को, है ना, क्योंकि ज़्यादा देर बातचीत करने से टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा, है ना। यस ठीक है, तो लेट्स बिगिन गाइज और शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन में आपके लिए पहला क्वेश्चन है, है ना। तो ये है आपके लिए गाइज पहला वाला क्वेश्चन, ओके। ये जो पहला क्वेश्चन है आपके एनटीए एग्जाम के गाइज सारे ये क्वेश्चन है, ठीक है। यस हाँ, सो देखिए ये गाइज जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ हेरोइक ट्रीटमेंट वॉज नॉट needed in the plays of university bits। तो देखिए ये Elizabethan time period से question है आपका, Elizabethan time period, and Elizabethan time period तो ये basically जो है वही university wits वाला time period है ना। yes, so university wits वाला ये time period था, correct, Elizabethan time period है ना। yes, so इस time period में ही आपके university wits थे and these were 7 in numbers। और मैंने आपको पढ़ाया था university wits में, है ना, क्या पढ़ाया था मैंने कि गाइज स्प्लेंडिड डिस्क्रिप्शन चाहिए, लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस, बड़ी स्पीचेस लंबी होंगी और जबरदस्त टाइप की, द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एंड इमोशन बिकॉज ट्रेजेडीज वर देयर एंड रिवेंज ट्रेजेडीज वर देयर, है ना।
बट लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स, लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर वॉज नॉट पार्ट ऑफ दोज वर्क्स। मोस्ट ऑफ द प्लेस को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कॉमन नहीं, जो स्पेशल फिगर हैं और यू कैन से गाइस जो हीरो हैं बेसिकली, इवन अगर आप देखें है ना, यस अगर आप देखें कि जो हीरोज हैं, मतलब हीरोज से मेरा क्या मतलब है, जैसे जो भी हीरोज है, इज इट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर और एनी अदर गाइस यू नो राइटर या प्ले राइट की जो भी आप देखेंगे ना, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी दैट द लाइफ ऑफ किंग क्वीन नोबल मैन दैट हैज बीन हाईलाइटेड, है ना। तो ये वाला कॉमन फिगर्स वाला, यही वाला जो है आपका क्या होगा, है ना, ये बेसिकली गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसे फोर्थ वन राइट आंसर आपके लिए होना चाहिए, है ना। ट्रांसडेंटल क्लब वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स फॉर फिलोसफिकल डिस्कशन। विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज टेकन एज अ शॉर्ट ट्रीटीज ऑन ट्रांसडेंटलिज्म। वैसे एग्जाम का अगर पेपर का लेवल देखे ना, सो गाइस जो लेवल था पेपर का वो काफी खतरनाक था, है ना। बाय द वे एग्जाम देने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि सर पेपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो एट दैट टाइम गाइस आई फील कि शायद ऐसे ही बच्चे कह रहे होंगे, है ना। यस ठीक है, ओके गाइस। तो जो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि बच्चे इसे कह रहे थे कि नहीं क्वेश्चन बहुत टफ था, बट अगर रियल में देखा जाए, है ना, यस ओके आ जाइए प्लीज। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें। ट्रांसडेंटल क्लब वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स। तो बेसिकली ट्रांसडेंटलिज्म या ट्रांसडेंटलिज्म का जो मूवमेंट है ना, जो ट्रांसडेंटल क्लब है या ट्रांसडेंटलिज्म का जो मूवमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, बेसिकली अमेरिका के साथ एसोसिएटेड है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थॉरो, ये सब लोग बेसिकली ट्रांसडेंटलिस्ट कहलाते हैं। एंड देर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क गाइड्स दैट प्लेड प्रोमिनेंट रोल। तो देखिए इनमें से इमर्सन्स नेचर, थॉरोज वाल्डन एंड विटमैन्स लीप्स ऑफ ग्रास एंड थॉरोज सिविल डिसोबीडियंस। तो देखिए ये वाला और ये वाला किसी भी कंडीशन में दोनों नहीं है, है ना। वाल्डन और ये, सॉरी ये वाला लीप्स ऑफ ग्रास, ये वाला, ये दोनों किसी भी कंडीशन में, है ना, यस yes। तो अगर आप इसमें देखें ना, ट्रांसडेंटल क्लब वॉज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल फॉर फिलोसफिकल डिस्कशन। विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज टेकन एज अ शॉर्ट ट्रीटीज ऑन ट्रांसडेंटलिज्म। तो ये इमर्शन का है, जो है नेचर वर्क, है ना, द नेचर, जिसका नाम जो इमर्शन ने लिखा है, है ना, यस गाइस। जो भी क्वेश्चन गड़बड़ होंगे, है ना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, है ना, 9125090515, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, है ना। कोई दिक्कत होगी तो उस पर डेफिनेटली हम लोग बात। तो नेचर इज द राइट आंसर, है ना। अगर इनमें से भी कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप डेफिनेटली बताइएगा। ये आपके जो भी आपका ये पेपर हुआ तो उसी के ही क्वेश्चन है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। एंटोनियो ग्राम्सीज प्रिजन नोटबुक्स, एंटोनियो ग्राम्सीज प्रिजन नोटबुक्स प्राइमरली डील्स विद। तो जो एंटोनियो ग्रामसी की प्रिजन नोटबुक है ना, एंटोनियो ग्रामसी बेसिकली जिनका एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना, और वो है कल्चरल हेजेमनी। द टर्म कल्चरल हेजेमनी एसोसिएटेड विद हुम, सो दैट इज एसोसिएटेड विद एंटोनियो ग्रामसी, है ना। कल्चरल हेजेमनी जो टर्म है वो एंटोनियो ग्रामसी के साथ एसोसिएटेड है, जानते ही होंगे, है ना, यस yes। हाँ डेफिनेटली आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। पेन ऑफ अ प्रिजनर ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, रिकलेक्शन ऑफ लव रोमांस एंड ब्लिसफुल लाइफ, फिलोसफी कल्चर लिटरेचर एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्लैक्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। इसका राइट आंसर, वैसे आपको तो देखिए पता होगा कि राइट आंसर क्या है इसका, एंटोनियो ग्राम्सी का जो ये गाइस वर्क है, इस वर्क में आपको क्या देखने को मिलता है, फिलोसफिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कल्चर लिटरेचर एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, है ना, इंटेलेक्चुअल्स कैसे रोल प्ले करते हैं। सी इज द राइट आंसर, यस जागृति, सी इज द राइट आंसर इसके लिए है, है ना, एंटोनियो ग्राम्सी वाले इसका। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स रिचार्ड ऑफ रिचार्ड होगार्ट वर पब्लिश्ड। ये गाइस जो बेसिकली यहाँ पर जो ये वर्क दिए है ना रिचार्ड होगार्ट के, वैसे ऐसा क्वेश्चन एनटीए दिया है
ये बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये अपने लेवल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसे आप सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ वॉक्स और उनके रिगार्डिंग एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन तक नहीं अवेलेबल है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब अलग ही लेवल का है ना। चलिए, द इमेजिन लाइफ यूजेस ऑफ लिटरेसी हायर एजुकेशन डिमांड एंड रिस्पॉन्स लोकल हैबिटेशन सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग। लोकल हैबिटेशन सॉर्ट ऑफ क्लोनिंग, तो अगर आप देखें यहां पर बेसिकली इसका राइट आंसर क्या है, देखिए मेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन में इनके सामने मैंने ईयर लिख दिए हैं, है ना। द ईयर्स कैन बी सीन 1959, 57, है ना, 68, 1940। तो ये मैंने ईयर बेसिकली लिख दिए हैं, और अकॉर्डिंग टू मी कौन सा राइट आंसर होगा, तो अगर मेरे हिसाब से राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से देखिए सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इसमें जो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए क्योंकि जो मैंने देखा जो मेरे डिटेल्स में है, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये वर्क आना चाहिए 1941, है ना, इन सबसे पहले डी ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपके लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है फोर्थ, बी सी डी ई ए, यानी सबसे पहले ये होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये वाला होगा, है ना, बी सी, एंड देन होगा डी, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका डी, और चौथे नंबर पर आपका हो जाता है ई। ई ऑप्शन कहाँ है, ई ऑप्शन यहाँ पर दिखा भी नहीं है, है ना। चलिए, एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, शायद मिसिंग है, और फिर ए दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन, यानी फिफ्थ नंबर पर ए दिया, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है ना, मतलब जो आपकी आंसर की में आया है वो गड़बड़ है ना। एक बार जरूर प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने चेक किया हो, थोड़ी और कुछ कमी हो, तो प्लीज आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये वाले को प्लीज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और एक बार क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वन पर आ जाइए। वैसे मैंने अपने लेवल से तो चेक कर लिया है। ओके, द टर्म सिमुलाक्रा इन पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स इज अबाउट, ये बेसिकली जो, हाँ बिल्कुल, द टर्म सिमुलाक्रा इन पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स इज, सो गाइस सिमुलाक्रा एंड सिमुलाक्रम का जो ये जो टर्म है जीन बॉल्डिलार्ड के साथ एसोसिएटेड है ना, ये किस पर बातचीत करता है, तो देखिए इनमें से इज अबाउट, तो आपको यहां पर ये चार जो पांच ऑप्शंस हैं, सो फाइव ऑप्शंस देखना है, देन राइट कॉम्बिनेशन। अब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, अब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, आर्टिफिशियलिटी प्रोड्यूस्ड रियलिटी डब्ड एज ऑथेंटिक, अ रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, द गैप बिटवीन द परसेप्शन एंड रियलिटी, द साइकोलॉजिकल इंटरप्ले एट द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस। तो इनमें से देखिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं कौन से ऑप्शन है। ओके चलो, सो देखिए इनमें से जो ऑप्शन है ये है, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन सी एन ई डी एन ई ए एन बी बी एन सी, सो थर्ड वन ए एन बी, अब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रियलिटी डब्ड ऑथेंटिक, है ना। इसको बेसिकली अगर देखें, है ना, तो राइट आंसर है इसका ये वाला थर्ड वन ए एंड बी। और जो सिमुलाक्रा, ये जो वर्ड है, द वर्ड व्हाट डज इट मीन, सो समथिंग दैट रिप्लेसेस रियलिटी विद इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ही होता है ना। यस, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है Something that replaces reality with its representation. और वैसे representation का रोल बहुत बड़ा है, आगे मैं कभी बातचीत करूंगा उसके रिगार्डिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज्यादा ही अपने आप में एक लेवल का है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए आपका पेपर वाकई में काफी डिफिकल्ट था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है जिन नेम्स को कई बार आपने सुना भी नहीं है, है ना। एंड इवन मी, Who among the following described drama in the following words? A true play is three-dimensional. It is literature that walks and talks before our eyes. ये जो guys question है, इस question के regarding में बाद में बात करूंगा, first of all please आप answer कर दीजिए। हाँ, ये PDF आपको literature lovers app पर मिलेगी,
मिलेगी, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लिटरेचर लवर्स, ठीक है? लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लोगे है ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, राइट आंसर इसका क्या होने वाला, देखिए इसके लिए राइट आंसर इतना खतरनाक है, दैट इज मार्जोरी बॉल्टन। अब आप कहेंगे सर ये आया कहां से? एक्चुअली मैं गाइस, देयर इज अ पेपर, जैसे होता ना पेपर लिखे जाते हैं, सो एक पेपर लिखा गया था, एंड ऑन दैट पेपर समवन वाज देयर जिन्होंने मेंशन किया था कि एक रिगार्डिंग यू नो गाइस प्ले रिगार्डिंग ड्रामा, जो मार्जोरी बॉल्टन थे उनका क्या ओपिनियन था, अ ट्रू प्ले प्ले इज थ्री डायमेंशनल, इट इज लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आर आईज। बेसिकली जो पिंटरेस किया है, रॉल पिंटर की जो टेक्निक है उसके रिगार्डिंग जो पेपर लिखा गया था वहां से ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ना ही इसके कुछ आगे है और ना ही इसके कुछ पीछे है, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा मतलब बेसलेस होते हैं, बट एनटीए ऑलवेज आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे देगा जो बेसलेस होंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो। सो इट इलस्ट्रेट्स वैनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, तो वैनिटी वगैरह तो नहीं प्रेजेंट करता है ना, ये बिल्कुल नहीं करता है। इट हैज अनकम्प्रोमाइजिंग व्यूज ऑन ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिज्म, ये भी नहीं है। इट प्रोजेक्ट द सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ डिसेप्शन वगैरह कोई नहीं, कि मतलब खुद को कोई धोखा दे रहा है, कोई डिस्गाइज कर रहा है, ये भी नहीं। इट इज स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, तो वेटिंग फॉर गोडो में कोई स्ट्रक्चर नहीं है एंड देर इज नो डेवलपमेंट इन द प्ले। क्या ही डेवलपमेंट है, वहीं पर सीन है, वही पेड़ है, वही सब कुछ है, सो नो डेवलपमेंट है ना, करेक्ट। इट इज इनकोहरेंट डायलॉग सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी, तो भाई कोई भी होगा 2 दिन से इंतजार करेगा एंड द आंसर विल बी लाइक दिस, गोडो विल नॉट कम टूडे बट नेक्स्ट डे श्योरली ही विल कम। जब 2 दिन से गोडो नहीं आया तो ये बताओ तीसरे दिन कौन गारंटी लेता है कि भाई तीसरे दिन भी आ जाएगा, नो वन कैन टेक है, सो नो वन कैन यू नो गाइज इवन से कि भाई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये डायलॉग सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी, करेक्ट गाइज, यस। तभी तो वो उनके डायलॉग ही ऐसे हैं लाइक नथिंग टू बी डन, ये वो है ना। सो ये डी और ई ऑप्शन आपके सही होंगे, डी एंड ई, फोर्थ वन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन चले। सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो इन अकॉर्डेंस विद देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये क्वेश्चन हिलाने वाला है, ये काफी खतरनाक है, जिसमें हिला डाला ना टाइप वाली बात है ना, यस। सो नाउ गाइज, हिला डाला ना इस वाले क्वेश्चन को देखिए, और जो कैंडिडेट अभी न्यू है, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए गाइज क्वेश्चन ये अलग ही लेवल का, मतलब सॉरी, ये मतलब एक्सपीरियंस जरूर उनको करना चाहिए है ना, सो दैट कि एटलीस्ट वो समझ तो पाए कि क्या चीज है क्या नहीं है, करेक्ट। हाँ ये चीज बहुत जरूरी है उनके लिए। ओके सी, सो क्रोनोलॉजिकली अरेंज, अब आपको देखिए क्रोनोलॉजिकली द आर ऑफ गॉड, द मदर, लाइफ डिवाइन, द फ्यूचर पोइट्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल चैलेंज कर देना है आपको, इसमें आंख बंद करके चैलेंज करिएगा। ये सारी डेट्स लिखी हुई है, ये जो जिस तरह से वर्क सीरीज में दिए हैं वैसे ही गाइज इनकी डेट से लिखी हुई है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका इनकरेक्ट है, इसको खूब चैलेंज कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं जिसने भी मतलब ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो पता नहीं कैसे, मतलब उसने कुछ ज्यादा नया करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पागलपनी कर दी, ठीक है? होता है ना, ज्यादा नया करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही नया कर दिया है कि भी इतना ज्यादा नया कर दो, तो चैलेंज कर दीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चैलेंज कर देना है आपको, नो इशू, बिल्कुल कर देना है, आप नहीं करोगे तो मैं करवा डालूंगा इसको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेनेसी विलियम्स अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, देख लीजिए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के लिए इनमें से कौन सा सही है। It is set in New Orleans. The protagonist is a Mississippi landowner. It ends with Blanche's defeat and departure.
टॉम विनफील्ड इज द नैरेटर, लॉरा एंड स्टेला आर कजिन्स। हाँ, डेट तो याद करना पड़ता है ऑलवेज। फ्यूचर ऑफ पोइट्री 1953। क्या बात है। चलो भाई। हाँ, अरे नहीं, इतना भी नया नहीं करना था कबीर, टफ कर देना था। टफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो भाई, अगर आप, एक तो सबसे बड़ी समस्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि गाइस सिलेबस नहीं है ना कोई एनटीए का, वो भी इंग्लिश वालों की, है ना। सर आई डोंट अंडरस्टैंड, 6 मंथ्स में एक बार क्वेश्चन आते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। गलतियां तो हो जाती हैं, बट कुछ ज्यादा ही नया करने के चक्कर में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहने वाले हैं, आपका क्या ओपिनियन है। कुछ बच्चों के ओपिनियन आ रहे थे, सर टेनिसी विलियम्स का ये बिल्कुल धुआं धुआं है, बेकार है। वैसे राइट आंसर जो आपके उसमें दिया हुआ है, सेकंड दिया है, ए एंड सी ओनली, है ना। मींस इट इज सेट इन न्यू ऑरलियंस एंड इट एंड्स विद ब्लांसेस डिफीट एंड डिपार्चर। और सर गोडो वाले क्वेश्चन में भी आंसर सी बता रखा उन्होंने, बट है बी राइट। अच्छा, वो आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग इधर उधर भी हो सकता है ना। ठीक है सर, ब्रिटिश लिटरेचर का क्या कह रहे हैं। ओके ठीक है गाइस, सो ए एंड सी वाला इसमें दिया हुआ है। सर मेरे रिस्पॉन्स सीट में यही क्वेश्चन बट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, क्या आंसर की सेम होती है? नहीं, आंसर की सेम नहीं होती, आपका जो पेपर है वो आपके अकॉर्डिंग का होगा। ठीक है, जैसे जो कैंडिडेट होते हैं ना, तो अलग अलग कैंडिडेट्स का रैंडम होता है, रैंडम ऑप्शन अलग होते हैं, ऑप्शन के सामने इसीलिए लिखा नहीं रहता नंबर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से आपको मैच करना होता है। ये मतलब, ये तो आप नहीं कह सकते कि मेरे में सेम होंगे, एक्स वाई जेड के भी सेम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, रैंडम होते हैं, और रैंडमली मे बी ऑप्शन भी रैंडम ऐसा कर दें, ऐसा कर सकते हैं, तो प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास तो देखिए एक ही पेपर आया था, जो पेपर आया था उसी बेस्ड पर मैंने ये सारी चीज तैयार की है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन जूलिया क्रिस्तेवास डिफिनीशन ऑफ कोरा। कोरा की डिफिनीशन क्या है ना। हाँ, क्वेश्चन आईडी होता है और ऑप्शन की भी आईडी होती है। हाँ, दोनों, क्वेश्चन नंबर आईडी और ऑप्शन नंबर आईडी, दोनों आईडीज होती है। ठीक है, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन जूलिया क्रिस्तेवास डिफिनीशन ऑफ कोरा। इट्स लिमिनल स्पेस, स्पेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड नॉन एक्सप्रेसिव टोटली टोटैलिटी क्रिएटेड बाय द बॉडिली ड्राइव्स। द कोरा हैज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, इट प्रिसीड्स द लिंग्विस्टिक साइन। आंसर क्या है आपके लिए? आंसर है सेकेंड वाला, सी डी एंड ई, मीन्स नॉन एक्सप्रेसिव टोटैलिटी क्रिएटेड बाय बॉडिली ड्राइव एंड द कोरा हैज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, इट प्रिसीड्स द लिंग्विस्टिक, है ना। अरे ई कहां से आ गया? अच्छा, ये ई वाला होना ही नहीं चाहिए था इसमें, ई ऑप्शन कहां से आ गया? मुझे लग रहा है कॉपी में मेरे गड़बड़ हो गया होगा, ये कॉपी में है गड़बड़ हो गया है ना। यस, ठीक है, ये कॉपी में गड़बड़ मान लीजिएगा, ई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, वो कॉपी के जैसे होता है ना, पेपर कॉपी किया गया तो धोखे से गड़बड़। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, यस। देन इसके बाद नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन वाला कौन सा है? ये कॉपी किए गए हैं ना, आपकी जो सीरीज थी उसको ले करके, तो इसी में कॉपी के टाइम पीरियड में गड़बड़ हो जाता है। देखिए ये वाला जो है, ये वाला बड़ा ठीक क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड है। द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म क्या है? तो ये तो पहले भी रिपीट हो चुका है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है, यस, द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म, ये कई बार आपके मतलब एग्जाम में, अदर में भी आ चुका है अलग अलग में। सो फेमिनिस्ट कॉन्सियसनेस, प्रोडक्शन ऑफ राइटिंग ऑन वुमेन बाय मेन, एनालिसिस ऑफ एंड्रोटेक्स, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग बाय वुमेन ऑन वुमेन, है ना, उसी को गायनोक्रिटिसिज्म कहा गया। क्या कहते हैं? गायनोक्रिटिसिज्म। ये कई बार टर्म आया है ना, किसने इस टर्म को दिया इस तरह से, या मतलब ये इसका क्या मीनिंग है वो भी।
What does aptly define minor literature according to Giles Deleuze? Giles Deleuze और Felix Guattari का नाम आपने सुना होगा. Giles Deleuze and Felix Guattari, इनका नाम सुना है कि नहीं सुना? है ना? Yes. So Giles Deleuze and Felix Guattari, जैसे deconstruction of material reality, deterioration of language एंड हेट्रोग्लोसिया और मेटा नैरेटिव, किसकी बातचीत करी है इन्होंने? तो इन्होंने बात किया है डिटेरियोरेशन ऑफ लैंग्वेज की, है ना? Felix Guattari एंड Giles Deleuze, तो ये Giles Deleuze के साथ एसोसिएटेड. माइनर लिटरेचर क्या है? तो बेसिकली माइनर लिटरेचर को डिफाइन किया है कुछ ऐसा. अब आप ये जो नाम बस सुने होंगे, इसका नाम सुने होंगे Guattari एंड Deleuze का, है ना? बाकी इसके बारे में नहीं जानते रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं क्या क्या. देखिए, एक राइटर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखता है, बट द प्रॉब्लम इज कि डायरेक्टली जब ऐसी चीजें पिकअप कर ली जाएंगी तो वहां पर, है ना? ठीक है. हाँ, राइजोम एंड ऑल पोस्ट मॉडर्निज्म में Felix Guattari एंड डेली, मतलब ये नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इनके बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, है ना? क्योंकि Giles Deleuze, Guattari, ये कई बार एग्जाम्स में आते रहते, इसीलिए इनको पढ़ लीजिएगा. Which among the following are the titles of the periodical? अब जैसे यहां पर पूछा है कौन से जो है periodical के titles? ये question थोड़ा बेस है इसमें, मतलब कई question ऐसे हैं जो baseless हैं, लेकिन ये थोड़ा बेस वाला है. जैसे देखिए, Dickens Household Word, Samuel Taylor Coleridge Friend, Richard Steele Guardian, Franz Kafka Metamorphosis, Leigh Hunt Indicator. अब ये जो question है guys, है ना? Yes. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा भी लगेगा आपको भी. देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो थर्ड वन सही है, ये वाला ए बी सी एंड ई ओनली, इनमें से ये वाला नहीं है, डी वाला. तो आपको देखिए तो वैसे ही भी पता रहा होगा ना कि ये इजी है, फ्रेंच काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, है ना? दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ पीरियोडिकल. और एटलीस्ट देखिए, फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलेज का फ्रेंड तो वैसे भी पॉपुलर रहा है ना? एंड रिचर्ड स्टील का गार्जियन, ये गाइस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, देयर वाज वंस ऑन योर एग्जाम, है ना? ये पीवाईक्यू से ऐसे एसोसिएट हो गया. इंडिकेटर तो ये ले हंट का कई सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, हाउस होल्ड वर्ड्स भी पढ़ा होगा, मतलब देयर वॉज अ पीरियोडिकल, है ना, एसोसिएट. ओके, यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखें. नाउ सी दिस वन, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इजी है, इसे कह सकते हो कि थोड़ा इजी है, मैचिंग मैचिंग है, तो मैचिंग मैचिंग खेल सकते हो आप आराम से. ये भी मतलब जैसे होता है ना आपका रिपीटिशन है, ये प्रीवियस पीवाईक्यूज, इसीलिए बच्चा पीवाईक्यूज ऑल द कैंडिडेट एटलीस्ट आपको करना चाहिए. जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने उनको कहा था कि प्लीज आप पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यू नो कवर. तो देखिए, रेचेड ऑफ अर्थ है, यहां से फटाफट पता चल जाता है ये फ्रांज फैनन का वर्क है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है ना. तो ए को 4 से मैच कर लीजिए, जहां भी ए 4 से मैच नजर आए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो. मुझे 3 में नजर आ रहा है ए 4, है ना? एक ऑप्शन से आपका सारा काम हो जा रहा है. नेशन एंड नरेशन होमी भाभा है ना, नेशन एंड नरेशन होमी भाभा. कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, एक कल्चर एंड इंपीरियलिज्म है, दूसरा है इमेज इन द कम्युनिटीज, बेनेडिक्ट एंडरसन का है इमेज इन कम्युनिटीज, है ना? एंड कल्चर एंड इंपीरियलिज्म है एडवर्ड साइड का. सिंपल है, बहुत सिंपल है, है ना? यस. नाउ सी द नेक्स्ट वन गाइस, सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू. देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए. अब जैसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एमिली ब्रोंटेज वुदरिंग हाइट्स, ये क्वेश्चन इजी है और सारे बच्चे लगभग इसके बारे में जानते हैं, है ना? तो सी गाइस, द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1947, एमिली ब्रोंटे पब्लिश्ड दिस नॉवल अंडर सूडोनेम एलिसबेल. तो देखिए, जो ब्रोंटे सिस्टर है, तो 3 ब्रोंटे सिस्टर है, है ना? समझ रहे हो ना? 3 ब्रोंटे सिस्टर्स आर देयर, एंड ऑल द 3 ब्रोंटे सिस्टर्स, है ना? यस. हाँ, जो 3 ब्रोंटे सिस्टर्स हैं, ऑल द 3 ब्रोंटे सिस्टर्स दैट आर आल्सो नोन एज स्टॉर्मी सिस्टर्स, तो उन तीनों के अलग अलग सूडो नेम है ना? एलिस बेल, एक्टन बेल एंड क्यूरर बेल, है ना?
तो जिनका जिसका पहला लेटर है उन्हीं के ये सूडो नेम है। जैसे यहां पर देखिए ये एमिली ब्रॉन्टे है तो ये एलिस बेल है, एलिस बेल है, ये बी ऑप्शन हमारे लिए 100% श्योर है। अब यहां पर देखिए थोड़ा ऑप्शंस को देखते हैं, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, है ना, आपकी आंखें मैं थोड़ा खराब कर रहा हूँ। कोई नहीं, आप मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा खिसका करके, है ना, क्योंकि वुदरिंग हाइट्स के रिगार्डिंग। ओके हाँ अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आंसर भी दिख रहा है। थर्ड वन है देखिए इसका ऑप्शन ये वाला, तो हमें तो बी तो पता है कि डायमंड श्योर है हम लोग बी। 1847 की जहां तक बात आती है तो जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स है उनके प्रोमिनेंट वॉक 1847 में तीनों के आए हुए, ऑल द थ्री सिस्टर्स, उन्होंने 1847 में ही तीनों के वॉक, ठीक है। देन सी लॉकवुड एंड कैथरीन लिंटन आर द मेन नैरेटर ऑफ द स्टोरी, इज इट सो? द नॉवल इज यूनिक फॉर इट्स एब्स्टिनेशन फ्रॉम अथोरियल इंस्टीट्यूशन यूजुअल स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव टेक्निक एंड देन वुदरिंग हाइट्स वॉज थर्ड नॉवल ऑफ एमिली ब्रॉन्टे। देखिए पहली बात ये थर्ड नॉवल है नहीं तो इसे इनकरेक्ट कर लीजिए, और नॉवल इज यूनिक फॉर इट्स एब्स्टेंशन फ्रॉम अथोरियल इंस्ट्रक्शन, है ना, अनयूजुअल स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव टेक्निक, सो यस डिफरेंट टेक्निक हैज बीन यूज्ड। लॉकवुड एंड कैथरीन लिंटन आर द मेन नैरेटर्स ऑफ द स्टोरी, क्या इसमें आपको लॉकवुड और कैथरीन लिंटन दोनों नैरेटर नजर आते हैं? तो मेरा आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर है आपका ए बी एंड डी ओनली राइट आंसर, ठीक है, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट वन देख लीजिए प्लीज। अब यहां पर देखिए विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ लिटरेरी जर्नल और मैगजीन, ये भी देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है बहुत, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि जर्नल और मैगजीन जैसे इगोइस्ट है, क्राइटेरियन है, इंग्लिश रिव्यू है, 101 डैल्मेटियन, वैसे देखिए इगोइस्ट के बारे में आपने सुना होगा, टीएस एलियट ने इगोइस्ट में काम किया था, है ना, एंड दी क्राइटेरियन, तो देखिए दी क्राइटेरियन के बारे में आपने सुना होगा एटलीस्ट, बिकॉज द वेस्टलैंड जो है ना आपकी क्राइटेरियन एंड दी डायल, एक और जो है मैगजीन थी डायल, तो दी क्राइटेरियन एंड डायल दोनों जगह पर ये पब्लिश हुआ था द वेस्टलैंड, है ना। द इंग्लिश रिव्यू गाइज दिस इज ऑल्सो अ मैगजीन और जर्नल, है ना, तो ये सब है 101 डैल्मेटियंस, मैं कभी सुना नहीं हूं इसको, है ना, मैं ऐसे ही आंसर कर सकता हूं इस हिसाब से कि ये नहीं है, ठीक है, यस, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर एक्चुअली। तो यहां पर देखिए नॉट लिटरेरी जर्नल ऑफ पीडियोकल, तो इसी को आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी ये सारे हैं। इगोइस्ट में तो पता ही होगा ना आपको इगोइस्ट के बारे में, क्राइटेरियन और इंग्लिश रिव्यू, ठीक है। Which among the following are not mentioned as the aspect of novel by E.M. Foster? Guys, aspect of novel जो E.M. Foster का work है, खैर ये question आप familiar है, कोई भी candidate इसको ये नहीं कहेगा कि मतलब ये familiar नहीं है, because aspects of novel by E.M. Foster, flat and round character, है ना, yes. सर इफ कोई एक आंसर को चैलेंज करता है तो क्या सिर्फ उसी को करेक्ट आंसर का मार्क्स मिलता है या सभी को? नहीं, जैसे कोई चैलेंज करता है अगर, है ना, जैसे कोई चैलेंज करता है क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ, इविडेंस सही है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, है ना, सही या गलत पर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब एक कैंडिडेट है उसने कहा था मुझे कि मैं पता नहीं कितने 30-40 क्वेश्चन सर सारे चैलेंज कर दूं, तो देखो उनके लिए आपको एक करेक्ट इविडेंस भी तो चाहिए ना, एक अथेंटिक मतलब सोर्स एटलीस्ट चाहिए, है ना, यू हैव टू अपलोड अथेंटिक सोर्स कि मैं यहां से कह मतलब इस पे बेस्ड मैं कर रहा हूं, है ना, यस yes. और अगर वो क्वेश्चन डिलीट होगा तो या तो सबको मार्क्स नहीं मिलते या तो सभी को मिलते, दो में से एक ही होता है, वैसे सबको एड कर दिए जाते हैं जितने लोग उसे अटेम्प्ट किए होते हैं, है ना, इसीलिए क्योंकि जब माइनस मार्किंग ना होना तो सारा करना चाहिए। So B and D is the right answer, guys. इनमें से imagination and harmony are not mentioned as aspect of. तो imagination और harmony दोनों को नहीं mention किया, story, plot और prophecy इन तीनों को mention किया। वैसे 7 different aspects की बात करते हैं आपके, है ना, Foster different aspects की बातचीत करते हैं, है ना, तो प्लीज अगर आपको टाइम मिले अपने बिजी समय से तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, aspects of novel by E.M. Foster, ये मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर देख लेना, है ना, अच्छा लगेगा आपको।
अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लिएस्ट अवेलेबल इंडियन ड्रामेटिस्ट. अब देखिए ये संस्कृत लिटरेचर से है, करेक्ट. इस बार संस्कृत लिटरेचर की एक दो क्लास में पढ़ाऊंगा. मैं तो पढ़ाया नहीं संस्कृत लिटरेचर वगैरह का, बट अब मैं एनटीए जो है ना, एनटीए ने दम कर रखा है. सो देन वन डे गाइस आई विल टेक अ क्लास जो बेसिकली संस्कृत जो आपके राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, उन पर बेस्ड होगी. देखिए ये भवभूति हैं, कालिदास हैं, भाषा हैं राजशेखर. तो देखिए पहली बात तो ये आप कर दीजिए कट, इनको आप कट कर सकते हैं राजशेखर या राजशेखरा, है ना. यस, भाषा को ले, कालिदास को ले, भवभूति को ले. बेसिकली ये जो राइट आंसर यहां पर भाषा है ना, इज नोन एज वन ऑफ द अर्लिएस्ट प्ले राइट. इनको हम अर्लिएस्ट प्ले राइट कंसीडर करते हैं भाषा, है ना. यस, बाकी जो है भवभूति भी हैं, कालिदास भी हैं. कालिदास के तो वर्क्स के बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फैमिलियर होते हैं. कई बार इनके वर्क्स भी पूछे गए, लाइक अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऑल, ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन को लेकर के तो ऐसा पूछा जाता है. राजशेखरा के बारे में भी कई बार पूछा गया आपके. देखो ऑल द कैंडिडेट्स जो भी एनटीए के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो अलग अलग एग्जाम्स के पेपर को देखते रहा करो, है ना. अगर कभी आपको सेट एग्जाम का पेपर मिल जाए तो उसे सॉल्व कीजिए. असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम मिल जाए आपको, देखिए जरूर एटलीस्ट, है ना. yes. अगर एटलीस्ट आप है ना, तो अगर एक बार भी मतलब ज्वाइन मतलब वो करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, डजंट मैटर, बट जो आ रहा है तो आपको ये समझ में आता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. तो हमें अपनी स्टडी का लेवल और अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलता रहता है बीच में. तो सेट एग्जाम, नेट एग्जाम बहुत सारे, मतलब जैसे सेट एग्जाम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम हुआ, नेट के कुछ प्रीवियस ईयर हैं उनको जरूर देखिए. जैसे अभी कोरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी बेसिकली एक बार रिपीट टाइप है. एंड देन गाइस जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, दैट इज ऑल्सो रिपीटेड वन, है ना. अगर इसमें से देखें तो ये रिपीटेड तो नहीं है, बट देखिए क्या होता है. देखिए ये जरूरी नहीं होता कैंडिडेट्स कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आंसर ही पता, है ना. यस, हर क्वेश्चन का मतलब आपको डायरेक्टली आंसर ही पता हो, ये कभी जरूरी नहीं होता. बट देखिए कई बार क्या होता है कि आप इलिमिनेशन करते हो, इलिमिनेट करते हो. कैसे इलिमिनेट करते हो कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है ना. इलिमिनेशन भी बड़ा काम करता है. कई बार हमें चार के चार ऑप्शन नहीं पता होते, कि हमें ए बी सी डी पूरा मैचिंग मैचिंग नहीं पता होती, तब भी हम काम कर जाते हैं. दैट्स व्हाई आप पी वाई क्यूज को जरूर देखा कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा. भले ही 5 10 20 क्वेश्चंस की हेल्प करे, बट डेफिनेटली वहां से आपको एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देखो वही नहीं मिलेंगे, बट उस टाइप के मिल जाएंगे. बात समझिए, वही मिलने में और उस टाइप के मिलने में बहुत डिफरेंस है. चलो नेक्स्ट वन देखिए गाइस. देखिए ये वाला है, जैसे यहां पर पूछा गया स्टोरी एंड ऑथर, मतलब मैच कर लीजिए स्टोरी एंड ऑथर को. कैसे मैच करोगे स्टोरी एंड ऑथर? देखिए सिंपल हार्ट, आउट पोस्ट ऑफ प्रोग्रेस, 6 feet ऑफ कंट्री, अ हॉर्स एंड 2 goats. अगर मेरी आप बात करो तो अगर मुझसे कोई कहे कि सर आप कौन सी स्टोरी के बारे में जानते, तो आई एम फैमिलियर विद दिस स्टोरी, अ हॉर्स एंड 2 goats. डी ऑप्शन को मैं मैच कर दूंगा आर के नारायण से. डी ऑप्शन मैच करूंगा आर के नारायण से. सो डी टू थर्ड हमें मैच करना है. चेक करते हैं देखिए भला कि अगर डी को थर्ड से मैच कर दिया जाए कि आंसर मिल जाता है. और ये देख लीजिए आपने डी को थर्ड से मैच किया, यू आर नॉट फैमिलियर विद एनी ऑफ द स्टोरी. आपका देखिए आंसर हो गया, तो ये काम करता है आपका. एंड हाँ, अ हॉर्स एंड 2 goats ये आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी. अगर आपको ना लगता हो तो आप प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है. यस, आपको मतलब आपके एग्जाम में आया था एनडीए वाले में, अ हॉर्स एंड 2 goats. और फिर से देखिए यहां पर पूछ लिया, आपको सीधे आंसर पता चल गया, लीव कर दीजिए सब. नेक्स्ट वन देखें, बीइंग अ वाइट मैन इन शॉर्ट वाज अ वेरी कंक्रीट मैनर ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, अ वे ऑफ टेकिंग होल्ड ऑफ रियलिटी, लैंग्वेज एंड थॉट. व्हाट डज द थियरिस्ट सिग्निफाई बाय द टर्म वाइट मैन हियर? तो क्या बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है वो, देखिए इनमें से. A dominating man, a megalomaniac, a man with double consciousness, a form of colonial authority. क्या basically यहाँ पर जो है
जो ऑथर है या राइटर है, बीइंग अ वाइट मैन इन शॉर्ट वाज अ वेरी कंक्रीट मैनर ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड. मतलब एक वाइट मैन होना इसका मतलब है कि आप दुनिया में हो, अ वे ऑफ टेकिंग होल्ड ऑफ रियलिटी. इस बात को समझना कि यस व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज कंक्रीट एंड ऑल, है ना. रियलिटी लैंग्वेज एंड थॉट, आपके पास लैंग्वेज का भी पैटर्न है, थॉट्स का भी पैटर्न है ना. यस, तो व्हाइट मैन का यहां पर क्या मतलब है? तो देखिए, व्हाइट मैन अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी, समझ रहे हो. कॉलोनियल अथॉरिटी क्यों है, है ना. यस, कॉलोनियल अथॉरिटी क्यों है, तो कॉलोनियल अथॉरिटी का मतलब ये है क्योंकि बिकॉज गाइज व्हाइट्स दे वर कंसीडरिंग सुपीरियर, कि हम सुपीरियर हैं बाकी सारे इंफीरियर. एंड तभी तो कहा गया था ना व्हाइट मैन इज बर्डन, है ना, दैट वी हैव अ काइंड ऑफ बर्डन, हमारे ऊपर एक बर्डन है और लोग बेकार हैं, लोग जो है वो इलिटरेट हैं एंड वो सिविलाइज नहीं है, एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम, है ना. यस, एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास. ये देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा कि ये क्वेश्चन जो है, जैसे एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है. तो नहीं गाइज, दोनों देखिए बात समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास, दिस इज अ पोयम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पोयम है, मैंने आज ही पढ़ाया है अपने यूपी पीजीटी वाले बच्चों को, आज ही मैं पढ़ा रहा था, है ना. अगर कोई पीजीटी का बच्चा देख रहा होगा तो उसे पता हो. तो ये गाइज क्या है, ये एक पोयम है, दिस इज अ पोयम, है ना. यस, सो आई शॉर्ट स्टोरी ऑन द थीम ऑफ पीपल्स राइट एंड फ्रीडम. तो देखिए शॉर्ट स्टोरी नहीं है, कट कर लो. एन इंट्रोडक्शन टू हर ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई स्टोरी, माई स्टोरी और इंते कथा, इंते कथा, ये जो है बेसिकली इनकी ऑटोबायोग्राफी है कमला दास की. माई स्टोरी और इंते कथा, मतलब जो इंते कथा है मलयालम लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन वर्जन, दैट इज नोन एज माई स्टोरी, है ना. तो ये एक नॉन फिक्शन का वर्क है, क्या कहलाएगा, ये नॉन फिक्शन कहलाएगा, नॉन फिक्शन. और ये जो देखिए यहां पर शॉर्ट स्टोरी की बात हो रही है, तो ये कहलाएगा फिक्शन, क्योंकि जो शॉर्ट स्टोरी है वो फिक्शन की कैटेगरी में आती है ना. अ पोयम ऑफ रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट. तो गाइज ये एक पोयम है रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट की. क्यों? क्योंकि कमला दास ने खुद एक्सप्रेस किया है कि देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल जो मुझे तमाम सारा ज्ञान देते थे, बी दिस वन बी दैट वन, है ना. यस, सो ये देखिए रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है. एंड ऐसे देखिए, ऐसे यहां पर दिया है, इनकरेक्ट मार दो फटाफट, इनकरेक्ट करो, ऐसे नॉन फिक्शन हो जाएगा. ये देखिए ऐसे है तो नॉन फिक्शन पर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये. तो इसका राइट आंसर यही है. उन्होंने कहा था कि सर हम चैलेंज कर ले, तो चैलेंज नहीं करना इसको, क्योंकि ऑलरेडी वो सही आंसर दिया. बात समझ रहा है बच्चा पार्टी. आप उदास नहीं होइए, देखिए आप में से कोई भी बच्चा उदास नहीं हो किसी चीज को लेके. हार जीत, क्वेश्चन का सही होना गलत होना, ये कभी ये नहीं डिफाइन करता कि आप कमजोर हो, ठीक. सही मौका आने पर, सही समय आने पर, है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो. कई बार क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं बहुत एलियन होते हैं, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत फैमिलियर, है ना. तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि आप एक दो बार फेल हो सकते हैं, तीन बार ना, लेकिन लाइफ टाइम नहीं फेल होंगे, है ना. यस, तो थोड़ा सा अपनी कोशिश करते रहोगे. ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एडवर्ड सईद्स ओरिएंटलिज्म. तो देखिए एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म ऑक्सीडेंटलिज्म पूछता ही रहे, बताते रहो इसके बारे में, है ना. ओरिएंटलिज्म देखिए, एडवर्ड सईद हर बार आपके एग्जाम में आता है, कोई भी ऐसा मतलब एग्जाम नहीं होगा एनटीए का जिसमें एडवर्ड सईद ना मिले, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थियरी, है ना. यस, देखिए यहां पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में बी सी डी करेक्ट है, बी सी एंड डी. सो एडवर्ड सईद का जो ओरिएंटलिज्म है 1779 में पब्लिश हुआ था. या 300 124. अच्छा सर, मैं बहुत हिम्मत, अच्छा बहुत हिम्मत हार गई है,
तब आप तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं उन सब सारे वो जीत वाले हैं, आप हारे हुए मतलब यहाँ क्या कर रही हैं जीतने वाले बच्चों के बीच में? हारे वाले बच्चों के लिए कहाँ जगह मिलेगी फिर? इतना तो नहीं हारना चाहिए। अगर आप इतने में ही हार गए हैं तो मतलब आप लड़ने लायक नहीं लग रहे हैं। चलिए, यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन एज आर्ग्यूड बाई मिशेल फूको। देखिए यहां पर आपको देखना कि कौन सा ट्रू है, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं सही लग रहा तो नहीं ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन, यस, हैज टेकन अप द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इमेजिनेटिव जियोग्राफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरियंट। अब जब ओरियंट की बात आ गई है और ओरियंटलिज्म ही है, सही है। इज इट वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी? इसमें कोई शक नहीं है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी 100% है। देखो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनियल थियरी डी ऑप्शन होना चाहिए, जो ऑप्शन सही होगा। देखो ऑप्शन से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सही होगा। देखिए डी ऑप्शन होना चाहिए, जो सही ऑप्शन हो। तो ये देखिए यहां पर डी ऑप्शन है और किसी में भी डी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लगा लो कि ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद एंड पोस्ट कॉलोनियल थियरी, बस आपको एक ही ऑप्शन से सब कुछ कर सकते हो आप। अब आप ये मत कहना कि सर आपको क्वेश्चन मिल गया है, आंसर मिल गया है, इसीलिए आप फटाफट कर ले रहे हो। ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। बात यहां पर यह है कि कॉन्शसली आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, एटलीस्ट यू हैव टू डू समथिंग, है ना? ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो फिर से देखो, ये जो वर्क है एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म, है ना, ओरिएंटलिज्म, तो ये जो है एडवर्ड सईद ने लिखा। एडवर्ड सईद एसोसिएटेड है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थियरी, करेक्ट। अब आपको सिंपली ये समझना है कि इनमें से, ऑप्शंस में से आपको वो चीज देखनी है कि कहीं मिल रहा है। तो देखिए पोस्ट कॉलोनियल थियरी, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इट इज, डी ऑप्शन जरूर होगा। आप चेक कीजिए अपने ऑप्शन में, डी है, हाँ डी मिल गया। आप कुछ मत पढ़ो, आंसर कर दो। देखिए मैंने क्रैकिंग एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट द कंप्लीट हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एंटायर लिटरेचर, ऑफ द एंटायर टेक्स्ट और एवरीथिंग। क्रैकिंग एग्जाम एक मतलब तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग लॉजिक एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो लर्निंग एज वेल। मतलब पूरा नहीं 100%, तो ये देखिए काम करता है। आंसर आगे चलते हैं। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कल्चरल इंपीरियलिज्म? इनमें से कल्चरल इंपीरियलिज्म के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं? जोनाथन डॉलीमोर, एलन सिंफील्ड, एलन सिंफील्ड एंड रेमंड विलियम स्टैनली फिश। देखिए स्टैनली फिश का जो एसोसिएशन है वैसे रीडर रिस्पॉन्स थियरी से, है ना, फिश जो है फिश पकड़ रहे थे, रीडर रिस्पॉन्स थियरी। जोनाथन डॉलीमर, एलन सिनफील्ड, रैमंड विलियम्स। रैमंड विलियम्स तो वही कल्चरल स्टडीज वाले, और कल्चरल इंपीरियलिज्म इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। जोनाथन डॉलीमोर है ही, एलन सिनफील्ड का नाम बेसिकली आप उसमें भी देखते हो जिसका नाम है क्वियर थियरी, है ना, तो वहां पर भी आप देखेंगे। ठीक है, तो फिश नहीं है यहां पर। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु इज साइकी इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी? अब कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी सारी बातें की थी, तो जब इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत हो रही थी, एक ग्रुप है बहुत सारे जैसे टेलीग्राम में ग्रुप होते हैं, सो मैंने कई सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिस्कशन देखा कि इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, दैट हु इज साइकी, है ना, इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी। तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। एक्चुअली गाइज अगर आप साइकी, ये जो साइकी है ना, तो ग्रीक माइथोलॉजी में अगर आप साइकी को देखेंगे, सो देन यू विल फाइंड कि साइकी इज द लेडी दैट इज अ मॉर्टल वुमन, दैट इज अ मॉर्टल वुमन गॉट मैरिड विद क्यूपिड। तो एक मॉर्टल वुमन की शादी को देखते, है ना, अपनी तो नैया है सर के भरोसे। अच्छा क्या बात है, मेरे भरोसे है नहीं, मेरी नैया आप लोगों के भरोसे है बच्चा, बस ये मान लो।
मुझे पार लगाने वाले आप हो। अगर आप पढ़ोगे आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो मैं पार लगा हूं, आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा तो फिर क्या ही मतलब है ना। ठीक है, मॉर्टल वुमेन है ना, याद रखना। पैनोप्टिसिज्म, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पैनोप्टिसिज्म पैनोप्टिकॉन सब कोई जानता है, मिशेल फूको है ना, पैनोप्टिसिज्म पैनोप्टिकॉन है ना, ये मिशेल फूको का है, ये सब कोई जानता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, पी वाई क्यूज में से है, आ गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट वन देखिए, आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन, आई थिंक माई लिवर इज डिजीज, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ गैब्रियल गार्सिया मार्क्सिस लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, दोस्तोवेस्की'स नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, अल्बर्ट कैमू द प्लेग, डेनियल लेफो जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। कहां से ये लाइन्स हैं? यस, सो ये कहां से लाइन्स हैं, है ना। आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम अनअट्रैक्टिव मैन, आई थिंक लिवर इज डिजीज्ड। बताइए, दे हैव गिवन एज ग्रामसी। ग्रामसी कहां दिया होगा, वो तो बेसिकली उसी का है ना, पेनोप्टिसिज्म और पेनोप्टिकॉन जो टर्म है वो एसोसिएटेड, वो तो डायरेक्टली सबको ही लगभग जानता होगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये पता होगा, है ना। ग्रामसी नहीं, वो जो है दिया होगा। ओके सी, तो देखिए ये है दोस्तोवेस्की के नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये तो भाई मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ करके लिखा है, लेकिन पता चला बाद में, है ना। नेक्स्ट वन देखिए, नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग पोएम्स, उसका नाम बताइए जिसने ये पोएम्स कंपोज्ड करी है। नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग पोएम्स, डिवाइन इमेज, होली थर्सडे, लिटिल बॉय लॉस्ट, लिटिल बॉय फाउंड, विलियम शेक्सपियर है या फिर विलियम ब्लेक है या विलियम कॉलिंस है, सैमुअल जॉनसन। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद। देखो पहली बात कि शेक्सपियर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये कट कर डालो, और दूसरी बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये कट कर डालो, आप आराम से कट कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात विलियम कॉलिंस, इवनिंग वगैरह विलियम कॉलिंस ने लिखा है, साइड में बैठ करके कोई ऐसा लिख दिया हो तो हो सकता है ना। आंसर है विलियम ब्लेक, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, तो जानते ही होंगे, है ना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ दिया हो सीधे चैलेंज मार देना, ठीक, बिना रुके चैलेंज कर दीजिए। राइट आंसर है इसके लिए, है ना, ये विलियम ब्लेक। देखो कई बार मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की कि आप ये तो जान लो ना कि कौन नहीं हो सकता। अब आपके देखिए शेक्सपियर के होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्यों, लेकिन शेक्सपियर ने पोएम्स लिखी हैं, 154 सोनेट्स आर देयर, सोनेट का कोई टाइटल नहीं है ओके? जो शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, सो उनमें कोई टाइटल नहीं है, ऑल द सोनेट्स आर विदाउट टाइटल। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, मैंने पढ़ा है टाइटल, नहीं गाइस, एक्चुअली में वो जो टाइटल है दैट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, है ना। जो सोनेट शेक्सपियर ने लिखा उस सोनेट की पहली लाइन को ही उनका टाइटल बना करके लिख दिया जाता है, बाकी सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सोनेट नंबर 10, 15, 37, बस सोनेट नंबर लिखा हुआ है एंड नॉट मोर, तो इसीलिए शेक्सपियर नहीं। अब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर आपने पढ़ा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को डिक्शनरी लिखा, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखा है ना, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स लिखा है, रैसलस करके वर्क लिखा है ना, यस, लेकिन ऐसा कोई वर्क आपको कभी नजर नहीं आया, तो मतलब आपको वहां पर ये बैठ करके लॉजिक भी लगा लेना होता है एग्जाम में, क्योंकि जब आप लॉजिक लगाओगे तब आप लॉजिकली सही करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एन एब्रिज्ड फॉर्म एज हर्ट्स इंसर्जेंट, ये सब कोई जानता होगा, और अगर आप नहीं जानते थे इसका मतलब है थोड़ा कम पढ़ा था, है ना। तो दैट इज मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, नहीं, मैन ऑफ कैरेक्टर है, ज्यूड द ऑब्स्क्योर करेक्ट है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इनकरेक्ट है, रिटर्न ऑफ द नेटिव भी इनकरेक्ट है ना, करेक्ट है ज्यूड द ऑब्स्क्योर, ये तो लगभग सब लोग जानते होंगे, हर्ट्स इंसर्जेंट दैट इज द एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ ज्यूड द ऑब्स्क्योर, और ज्यूड द ऑब्स्क्योर वॉज द लास्ट वर्क, है ना, यस, ठीक है, दैट वॉज द लास्ट वन वर्क, समझ रहे हो,
अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड सिविलाइजेशन इज टू सम एक्सटेंट द क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ आर साइकोलॉजी. द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. मैन इज होली गुड. एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विल रिमूव इल विल एंड हॉस्टिलिटी अमंग मैन. क्रिएटिव वर्ड रिफ्लेक्ट्स द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ. सिविलाइजेशन इज एनालॉग विद द ह्यूमन साइकी. तो सिगमंड फ्रायड का क्या कहना था, सिविलाइजेशन इज टू सम एक्सटेंट द क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ आर साइकोलॉजी. हमारी साइकोलॉजी का एक प्रोडक्ट है जो सिविलाइजेशन है, ऐसा सिगमंड फ्रायड मानते थे. राइट आंसर देख लीजिए क्या है इसमें से, थोड़ा मैं जूम कम कर दूं, है ना. इसका जो राइट आंसर है ये है थर्ड वन, है ना. ये देखिए द थर्ड वन इज द राइट आंसर. अब हम इसको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं. देखिए सो इट्स ए डी एंड ई ओनली. देखिए आपको तो ये पता होगा सिगमंड फ्रायड किसके बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में, है ना. एंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. तो देखिए ये सभी कोई जानता है क्योंकि इनका कहना है सिविलाइजेशन इज टू सम एक्सटेंट द क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ आर साइकोलॉजी. कि जो भी सिविलाइजेशन हमें फ्रंट में नजर आती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइकोलॉजी. क्या बुरा है क्या अच्छा है ना. किसी के लिए कोई काम बुरा है तो किसी के लिए कोई अच्छा है. सो दैट इज द यू नो पैटर्न ऑफ साइकोलॉजी जो उसको वैसा सोचने के लिए करता है ना. यस जो उसको वैसा सोचने के लिए क्या करता है कि भाई आप ऐसा सोचो ऐसा करो. करेक्ट. मैन इज होली गुड. तो देखिए ये तो कोई नहीं कह पाएगा कि ह्यूमन बींग पूरे के पूरे कंप्लीट ऑलवेज गुड होते, कोई नहीं कह सकता क्योंकि सभी लोग गुड नहीं होते, कुछ गुड हैं कुछ बैड है. ठीक. एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विल रिमूव इल विल एंड हॉस्टिलिटी अमंग मेन. ऐसा कुछ है क्या. तो देखिए एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विल रिमूव. तो अगर मान लीजिए किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एबोलिश कर दे तो क्या वो सब कुछ सही हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता. क्रिएटिव आर्ट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो देखिए अगर आपने मेरे साथ सिगमंड फ्रायड पढ़ा है तो मैंने वहां पर एक बात बताई थी आपको. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड द होल लिटरेचर इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ हिज और हर सेक्स एंड सेक्सुअलिटी. ऐसा आपके सिगमंड फ्रायड का कहना था. तो क्रिएटिव आर्ट क्या रिफ्लेक्ट करती है, द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ. एंड सिविलाइजेशन इज एनालॉग विद द ह्यूमन साइकी. तो बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे सिविलाइजेशन का वैसी डेवलपमेंट होता है जैसे ह्यूमन साइकी, ह्यूमन माइंड का उसके साथ ही उसका डेवलपमेंट चलता है. खैर वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत कर देगा क्योंकि अगर उन्होंने थियोरेटिकली नहीं पढ़ा है. नाउ सो अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इन 1920 दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड. बेसलेस क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं ये कहूंगा. खैर आंसर आया था आपका एज़रा पाउंड, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता एज़रा पाउंड ने कहां पर किस तरह से कहा था. मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा देयर इज नो लॉन्गर एनी इंटेलेक्चुअल लाइफ इन इंग्लैंड. ऐसा मेक इट न्यू वो सारा कुछ चलेगा, पाउंड ने क्लेम किया था कि यस मेक इट न्यू, है ना. मोडो वर्ड वो सारी चीजें तो मिलती हैं बट ये नहीं कहीं मिला मुझे. ठीक है तो इसके रिगार्डिंग अगर आप में से कोई बच्चा हो वो अपना कहीं से अगर कुछ सर्च कर सके सो देन डेफिनेटली वो कर सकता है. ठीक है मैं एक बार इसे और ट्राई करूंगा, देखो इसके रिगार्डिंग कहां से क्या सोर्स है इसका, बातचीत करेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनईपी 2020. ये मतलब आप करंट अफेयर कह दीजिए, एनईपी 2020 के रिगार्डिंग, है ना. तो एनईपी 2020 के रिगार्डिंग क्या है, कौन सा ट्रू है. तो देख लीजिए 2020 एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज. The policy recommends early implementation of three language formula to promote multilingualism. The policy recommends that English language should be the only medium of instruction at elementary level. The policy recommends teaching in local language wherever possible. Which among the following statement is not true? तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कह रहा है कौन सा इनमें से true नहीं है NEP 2020 के. मैं मान लेता हूं कि आपको कुछ नहीं पता, है ना. आपको मैं मान लेता हूं कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. यू आर नॉट फैमिलियर विद एनईपी 2020. अब आप फिर भी आंसर कर सकते हो. अब आप कहोगे सर कैसे, पहले आप पूरे ऑप्शन पढ़िए,
फिर से एक बार मैं पढ़ लू, ठीक है। एनईपी 2020 रेकमेंड्स दैट देयर शुड बी हाई क्वालिटी लर्निंग एंड प्रिंट मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। द पॉलिसी रेकमेंड्स अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला तो पहले से ही चला आ रहा है। द पॉलिसी रेकमेंड्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, गलत हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 100% गलत। क्यों? क्योंकि जब अगर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं तो एक तो नहीं करेंगे ऐसी बात, और आप और हम लोग भी इंडिया में ही जी रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ, यू नो गाइज, लॉर्ड मैकाले के टाइम पीरियड में एट दैट टाइम पीरियड जरूर इंप्लीमेंटेशन हुआ था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, बट इट यस, ठीक है। द पॉलिसी रिकमेंड्स टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज वेयर एवर पॉसिबल, तो लोकल लैंग्वेज टीच करने के लिए कोई मना तो नहीं करते, हर जगह आप हर स्टेट में देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, टीच करते हैं, है ना। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट, ठीक है, यस। आगे चले हम लोग, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट आर रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आपको पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो कौन से जो है बेसिकली स्टेटमेंट रेलेवेंट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, और बड़ा कर दूंगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, बट ठीक है। अब देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म आर म्यूचुअली डिपेंडेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू कोलोनियल एक्सपीरियंस। लियोटार्ड आर्ग्यूज दैट पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीपली फेल्ट स्केप्टिज्म टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। एडवर्ड डब्ल्यू शाइड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पोस्ट मॉडर्न थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। जीन बॉडीलार्ड सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन इज सेमिनल पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। फ्रेडरिक जेम्सन आर्ग्यूज दैट पैरोडी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पैसिव इन पोस्ट मॉडर्न। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन से स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट है। आंसर है बी, डी एंड ई। कैसे है देखिए, एक तो पहली बात कि आप लियोटार्ड का नाम सुनते होंगे, लियोटार्ड वगैरह है, इनका नाम आप सुनते हैं पोस्ट मॉडर्न थियरी। यहां पर देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, तो ये कोई डिपेंडेंट नहीं है। पोस्ट कॉलोनियल थियरी का पोस्ट मॉडर्निज्म से कोई कनेक्शन नहीं है ना, यस। पहली बात, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाई डीपली फेल्ट स्केप्टिज्म, तो स्केप्टिज्म जरूर रहेगी, मेटा नैरेटिव जरूर रहेगा। वाई? बिकॉज इन मॉडर्न टाइम पीरियड यू कैन सी गाइज मेटा नैरेटिव, पैस्टी से था, मेटा नैरेटिव है, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना, यस। और इवन और क्या देख सकते हैं आप बेसिकली, तो जैसे मेटा नैरेटिव अगर आप देखना चाहें तो मॉडर्न टाइम पीरियड में भी था, है ना। जीन बॉडीलार्ड सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन इज ए सेमिनल पोस्ट मॉडर्न वर्क टेक्स्ट। सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन के बारे में किस टाइम पीरियड में बात हुई थी, तो सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन के बारे में किस टाइम पीरियड में बात हुई, तो बातचीत का जो टाइम पीरियड है ना वो पोस्ट मॉडर्न ही है ना। एंड फ्रेडरिक जेम्सन आर्ग्यूज दैट पैरोडी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पैस्टिचे इन पोस्ट मॉडर्निज्म। हाँ, तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में पैस्टिचे मीन्स पास्ट की जो टीचिंग्स है उनको प्लेस दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए बी, डी एंड ई का ओनली यहां पर काम है, बाकी किसी का कोई काम नहीं। चलो आगे चलो, 50 क्वेश्चंस में करवाऊंगा अभी, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम जैन ऑस्टिन्स नॉवल पर्सुएशन, तो देखिए सर वॉल्टर एलियट है ना, लेडी रसेल, मिस क्राफोर्ड, फ्रेडरिक वेंटवर्थ, तो इनमें से मिस क्राफोर्ड नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर आपके नॉवल पर्सुएशन से है। तो पर्सुएशन के कैरेक्टर आप देख लोगे, खुद पता चल जाएगा। चलो इधर देखिए, मैच द लिस्ट कैरेक्टर एंड यू नो गाइज कैरेक्टर कौन सा और किस नॉवेल में नजर आता है, फाइंड आउट करना है। सो सीटी ओकोनवो ऑफर्ड विंस्टन स्मिथ, तो देखिए इनमें से एटलीस्ट ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर सारे बच्चे जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो फिर आप ये कहो कि आप गड़बड़ करके बैठे, ठीक है। जैसे विंस्टन स्मिथ है, ये किस वर्क में आपको नजर आता है, मुझे लगता है 1984 में। तो डी को मैं 4 से मैच करूंगा, ठीक है, डी को 4 से मैच करूंगा। डी 4 यहां पर है, डी 4 यहां पर है, मतलब ये दो ऑप्शन कट कर लीजिए, खत्म।
50-50 हो गया है ना। देन ओकोनवो ये कहां पर नजर आता है गाइस? मुझे पता है थिंग्स फॉल अपार्ट में नजर आता है। सीती कहां पर है? बिलावेड में है। ऑफर्ड कहां पर हो जाएगा? हैंडमेड टेल्स में है ना। तो बस सिंपल है भाई, आप ओकोनवो को बी को थर्ड से मैच कर लीजिए। बी थर्ड अगर आपको इसमें भी नजर आ रहा है और इसमें भी नजर आ रहा है, मतलब अभी मामला गड़बड़। देन सीती बिलावेड में है, ए को सेकेंड से मैच कीजिए, तो ए को सेकेंड से मैच करने पर ये आता है ऑप्शन वन करेक्ट। ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा आपका मामला। अब जैसे ये आपको एक बार अगर नजर आ गई ये कैरेक्टर, तो अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस वर्क में है। बिकॉज देखिए, ये सिर्फ पेपर नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर मतलब यू नो रिसेंट का पेपर सॉल्व कर। दिस इज ऑल अबाउट योर लर्निंग एज वेल, कि आपको यहां पर तुरंत याद कर लेना चाहिए। ऑफर्ड इज अ कैरेक्टर इन हैंडमेड टेल, ओकोनवो इज अ कैरेक्टर इन थिंग्स फॉल अपार्ट, सीती इज अ कैरेक्टर इन बिलावेड, विंस्टन स्मिथ इज अ कैरेक्टर इन 1980। अगर और भी अच्छा बच्चा है जो पढ़ने वाला है, तो आप ये समझो कि इनके बारे में भी वो पढ़ेगा कि ये क्या है ये वर्क। हु इज द राइटर ऑफ हैंडमेड टेल, हु इज द राइटर ऑफ बिलवेड, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड एज वेल एज 1984। तो आपको एक्सप्लोरर बनना है ना, नहीं बनना एक्सप्लोरर, क्या करेंगे सर एक्सप्लोरर बन। देखिए, आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम, द स्काई लार्क, द बैडगर, द जिप्सी कैंप, फर्स्ट लव, पी वी शैली, जॉन क्लेयर, लॉर्ड बैरन, रॉबर्ट बर्न्स। तो इसमें से जो आंसर है वो है जॉन क्लेयर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, बच्चों को दिखा स्काई लार्क। और देखो एक बात समझो, एग्जामिनर साइकोलॉजी बड़ी जल्दी समझता है। अगर आप चाहें तो आप इसे चेक भी कर सकते हो कि क्या सही में स्काई लार्क पोएम लिखी है जो है पीबी शैली ने। आप चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करोगे, आइए देखते हैं। स्काई SKYLARK स्काई लार्क पोएम, देखो आपको फटाफट आएगा क्या जो आने वाला है। आप समझते हो स्काई लार्क पोयम, अगर आप सर्च करोगे तो फटाफट आपके लिए जो आने वाला है वो यही आएगा कि पीवी शैली आ रहा है ना, पीवी शैली। लेकिन टू अ स्काई लार्क पोयम है, देखिए। तो इसीलिए एग्जामिनर समझता है, ये देख लीजिए लिखा है ना, टू अ स्काई लार्क बाई पीवी शैली, ये लिखा टू अ स्काई लार्क बाई पीवी शैली। और एग्जामिनर देखिए समझता है कि बच्चा जैसे ही स्काई लार्क देखेगा वो पागल हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट पागल। और ऑलमोस्ट पागल होने के बाद फिर उसे आराम से आंसर करवा लो, क्योंकि आप ज्यादातर बच्चों ने सिर्फ ये देखा होगा और देखने के बाद ये देखिए पहला ऑप्शन, इसीलिए पीबी शैली और पहला स्काई लार्क, ये आपके माइंड के साथ खेल है कि नहीं। यस हाँ, अभी देखिए ये तो आप ये मानिए थैंक यू बोल सकते हो एग्जामिनर को कि यहां पर वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं दे दिया है ना। चलो नेक्स्ट वन, डिड नॉट शेक्सपियर हेट एंड डिस्पाइज इयागो एंड एडमंड, आइडेंटिफाई द बुक इन विच दिस क्वेश्चन हैज बीन मेंशन, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, किंग्स ऑफ नॉर्वे, फूल ऑफ क्वालिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। भाई इसके बारे में तो देखिए मैंने नहीं पढ़ा, आंसर है इसका ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, बट डी आंसर है, एस्पेक्ट ऑफ पढ़ा नहीं है मैंने। आपको मौका मिले तो डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता होती कई बार। आप लोग ये मानते हैं क्या कि मैं प्रो हूं, सब कुछ नहीं पता मुझे, काफी कुछ पता है बट सब कुछ नहीं। Which of the following writers are popular for partition narrative? देखिए partition की बात आ गई, तो इसमें देखिए सबसे पहले ऐसा कौन नजर आ रहा है आपको जो partition, जिसने work ऐसा लिखा होगा, है ना, सबसे पहले देख लीजिए कोई नजर आ रहा है आपको जिसने partition work लिखे होंगे, या कोई ऐसा writer जिसने ना लिखे हो, दोनों आप देख सकते। ओके, वेलकम सौरव एंड थैंक यू। या सो देखिए इसमें से विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स आर पॉपुलर फॉर पार्टीशन नैरेटिव। देखिए इनमें से जैसे ज्यादातर पूछता क्या था,
ज्यादातर जैसे पूछ लेता था चमन नहा लैनोल है ना, खुशवंत सिंह, तो ये पार्टीशन राइटर होते थे। इस बार देखिए पार्टीशन में कृष्णा रख दिया किसको, कृष्णा सोबती को रखा हुआ है, एंड देन सरोज कवोशजी को एंड राही मासूम राजा, इतने लोगों को रखा हुआ, मतलब ये टोटली एलियन बन जाता है ये क्वेश्चन। हाँ बट एक चीज है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो शशि देश पांडे को इस बात से अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि शशि देश पांडे ने वुमेन राइट्स के लिए लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस, है ना। तो अगर आप बी को, आप उस ऑप्शन को बिल्कुल मत सेलेक्ट कीजिए जिसमें बी ऑप्शन है ना। तो देखिए ये बी ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन है, इनको दोनों को कट कर लीजिए। अब ये दो ऑप्शन है जिनमें से राइट आ, है ना। यस चलो नेक्स्ट वन चले। द एसे डिस्कोर्स इन द नॉवल डिस्कसेस दैट नॉवल इज कंस्टिट्यूटेड बाय ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट एंड कंटेंडिंग सोशल वाइसेस, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे डिस्कोर्स इन द नॉवल। तो डिस्कोर्स इन द नॉवल ये जो है वर्क है मिखाइल बकतिन के साथ है ना। अब जैसे देखिए एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल है, तो इसीलिए ई एम फॉस्टर जल्दी से लिख दिया है सबसे पहले, ताकि आप बच्चे ई एम फॉस्टर सेलेक्ट कर ले, है ना। मिकैल बकतिन इज द राइट। ओके आगे चलते हैं, देख लेते हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन फैक्ट दैट आई एम अ ब्लैक वर्किंग क्लास मैन विल डिटरमाइन माई वर्ल्ड व्यू जस्ट एज मच एंड परहैप्स फॉर मोर देन आई कॉन्शियसली लर्न इन द डोमेन ऑफ आइडिया। नाउ सी मैन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग फ्री चॉइसेस इन द स्फेयर ऑफ इंटलेक्शन एंड मोरालिटी, द अनकॉन्शियस डिटरमाइंस ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, वी बियर अ फॉर्म ऑफ अदरनेस विद इन आर सेल्स। मतलब गजब का ही क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं चलेगा, राइट आंसर बस देख लो, आंसर नंबर एक है। ये तो मुझको भी ना पता चलेगा कि क्या ही है इसमें, है ना। क्यों, इन फैक्ट दैट आई एम अ ब्लैक वर्किंग क्लास मैन विल डिटरमाइन माई वर्ल्ड व्यू जस्ट एज मच परहैप्स मोर देन आई कॉन्शियसली लर्न इन द। तो इस स्टेटमेंट पर बेस्ड आपको बेसिकली कोई आंसर चूज करना है। अब आंसर में है देखिए फर्स्ट वाला बी डी एन ई, तो ये है बी, ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, देन वी बियर अ फॉर्म ऑफ अदरनेस एंड कैन वी लॉन्गर टॉक यूनिकली ऑफ द। ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं कैसे ही क्या कहूँ। देन स्टेटमेंट बेस्ड है, देखिए ये वाला स्टेटमेंट वाला देख लीजिए, है ना। यस स्टेटमेंट वाला देखते प्लीज। अ रूम ऑफ वन सॉन इज अ फेमिनिस्ट एसे अबाउट वुमेन्स एजुकेशन एक्सक्लूशन एंड राइटिंग बाई वर्जीनिया वूल, ये स्टेटमेंट वन है। And look at the statement second. In other words, is a collection of essays written by Edward Said on contemporary ideas such as psychoanalysis and social theory. अब आपको इन पर बेस्ड आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये इन अदर वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाई एडवर्ड सईद। अब आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, क्या लग रहा है आपको, दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्या दोनों गलत है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। देखिए बेसिकली ये जो है ना ये वाला वर्क द रूम ऑफ वन सॉन, दैट इज इन अदर वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एसे रिटन बाई एडवर्ड सईद ऑन कंटेम्प्रेरी आइडियाज सच एज साइको एनालिसिस एंड सोशल थियरी। देखो एक बात तो क्लियर है कि एडवर्ड सईद कभी साइको एनालिसिस और सोशल थियरी को लेकर के कुछ नहीं लिख रहे। अगर आप एडवर्ड सईद के बारे में जानते हैं, है ना, एडवर्ड सईद कितनी बार आपने देखा, मल्टीपल टाइम गाइज यू हैव सीन, और एडवर्ड सईद ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। साइको एनालिसिस वगैरह से उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है। हाँ बात यह है कि जो एग्जैक्ट रिश्ता है उनका वो है बेसिकली पोस्ट कोलोनियल थियरी, किससे है, पोस्ट कोलोनियल थियरी से। तो अगर आप समझ गए मेरी बात को तो ठीक है, और नहीं समझे बात को तो भी ठीक ही है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है।
मैंने लिटरेचर लवर्स का ऐप का लिंक दे दिया है आपको बच्चा पार्टी, इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बट पीडीएफ कल भी मैं करवाऊंगा 50 क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चन होंगे। थोड़ा मैं इस कमेंट को पिन कर दूं सबसे पहले, पिन करने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं। अरे पिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या बात, हमारे में ही ऑप्शन गायब हो गया। चलो कोई नहीं, पिन करने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है कोई नहीं। ओके तो इसमें से स्टेटमेंट वन करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है ना। देखो ये जरूरी नहीं कि अगर उसका वो वर्क है तो वर्क साथ साथ वो करेक्ट हो गया, कुछ भी लिखा हो उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा है भला वो करेक्ट है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए फिर से है स्टेटमेंट एसर्शन एंड रीजन वाला। टोनी मॉरिसन एंड एंड्रिन रिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल फेमिनिज्म। एंड्रिन रिच ऑब्जर्व्स इज द फील्ड वेयर सब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स हैव टू कम टूगेदर इन मोस्ट नेचुरल वे। देखिए टोनी मॉरिसन एंड एंड्रिन रिच, इन्होंने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया राइटिंग में, ये बात तो सही है। नाउ गाइस द पॉइंट इज फेमिनिज्म एंड्रिन रिच ऑब्जर्व इज द फील्ड वेयर सब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स हैव टू कम टूगेदर इन द मोस्ट नेचुरल वे। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन क्या है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। देखिए इसको कैसे आंसर करोगे, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। तो पहले आपको बहुत काम डाउन हो करके, बिल्कुल काम डाउन हो करके, अपने माइंड को थोड़ा शांत करके क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। कैसे पढ़ोगे, टोनी मॉरिसन एंड एंड्रिन रिच, ये दो राइटर्स के नेम है ना, दो फीमेल राइटर हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, मतलब दोनों ने कंट्रीब्यूट, उनके अलग अलग अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग है। देखो इसमें किसी को कोई किसी को ऑब्जेक्शन है नहीं भाई, लिखा है दोनों राइटर है उन्होंने अपने अपने स्टाइल में लिखा, नो इशू। फेमिनिज्म एंड्रिन रिच ऑब्जर्व इज द फील्ड वेयर सब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स हैव टू कम टूगेदर इन द मोस्ट नेचुरल वे। देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है बट द पॉइंट इज, ये कहता है लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर देखिए यहां पर पूछ रहा है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तब होता कि जब ये कहा जाता कि टोनी मॉरिसन एंड एंड्रिन रिच दोनों ने फेमिनिज्म के बारे में बात की, यहां पर डिस्टिंक्टिव स्टाइल की बात हुई है, नॉट एसोसिएटेड विद फेमिनिज्म। अब आप ऐसा कैसे, देखिए यहां पर आपको अपना कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे ये एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे बोथ ऑफ देम दे आर फीमेल एंड बीइंग फीमेल दोनों ने ऐसा करा होगा, नहीं, जो यहां पर लिखा है वही सही है। असर्शन एंड रीजन इन दोनों को ही आपको ट्रू मानना है एंड बेस्ड ऑन द एबव स्टेटमेंट ही आपको यहां पर कंक्लूजन देना है ना। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दोनों करेक्ट हो सकते हैं बट ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सप्लेनेशन हो। तो क्या एंड्रिन रिच ने फेमिनिज्म के बारे में बात करी, यस, फीमेल राइट्स के बारे में एंड्रिन रिच लिखती हैं एंड हर पोएम्स आर फेमस, आप खुद चेक कर लीजिएगा, इनका नाम सर्च कीजिएगा एंड्रिन रिच है ना, एंड यू विल फाइंड कि पोएम्स में उनके फीमेल्स के लिए उन्होंने वॉइस रेज, ठीक है। तो अब इससे ये हो जाता है कि ये करेक्ट तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। अब देखिए जब आप assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो एटलीस्ट जिन पर भी बेस्ड होगा उनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी, उनके बारे में जानना जरूरी। अब जैसे यहां पर कह दिया कि क्या फेमिनिज्म, तो यस यू मस्ट नोइंग कि क्या एंड्रिन रिच ने ऐसी कोई बात करी है या नहीं करी, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक इधर भी है, इधर भी देख लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस और डेफिनेशन के रिगार्डिंग, जैसे हाइपरबोल है, मेटोनमी है, साइनेकडकी है, टेरिफेरीज है, टेरिफेरसिस है ना, सो इनके बारे में पूछा है। फिर पूछा है कि आप राइट कॉम्बिनेशन दे दो, बोले तो मैचिंग दे दो ऐसा है ना।
रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट, तो ये हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन अलग है, एक है, दो है और ये तीन है और ये अलग है, ठीक है, मैचिंग करना है थोड़ा, मेरे में बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लिखा हुआ है ना, यस। सो देखिए इसका आंसर कैसे आप करोगे, रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है, अराउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलते हैं पेरिफेरेसिस, ठीक है। इसके बाद हाइपरबोल, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट प्रेजेंट्स द होल एंड इंटेंशनल एग्जैगरेशन, ये हो जाएगा आपका हाइपरबोल, इंटेंशनल, तो देखिए ए को फोर से मैच करना है, ए फोर आपको जहां पर नजर आ जाए आंसर कर दो, खत्म कहानी, दुनिया के कोई काम ही नहीं करने अब, है ना। तो ए को फोर से मैच कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अच्छा इधर अगर आप देखें पैरिफ, मान लीजिए साइनक डकी और मेटोनोमी में आपको दिक्कत है, तब पेरिफेरेसिस ये राउंड अबाउट सेइंग होता है ना, अगर आप मेरा फिगर ऑफ स्पीच वाला वीडियो देखोगे उसमें सारी चीज मैंने डिस्क्राइब की है ना। तो सी ए को हम लोग किससे मैच कर देते हैं, फोर से, और डी को मैच कर सकते हैं सेकेंड से, डी सेकेंड देख लीजिए यहां पर ही है, और अगर आपने से इनमें से किसी का भी आंसर पा लिया राइट आंसर, ठीक है। See guys, here is the one more question. Roland Barthes in his introduction to structural analysis of narrative 1966 proposed three levels of narrative structure. Which among the following are the narrative structure proposed by him? Functions, actions, grammar, narration or coherence? Answer आपको करना है। तो A, E, C, इसके बारे में थोड़ा मुझे knowledge कम है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, है ना? AEC इसका राइट आंसर माना गया। अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप इसको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड नैरेटिव पढ़ना होगा आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो अभी यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पुट करना है, पुट कर लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चित्रा बनर्जी देवकर्णी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, आनंद गिरिधर दास इंडिया कॉलिंग एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ नेशन रीमेकिंग, V.S. Naipaul, A Wounded Civilization, भारती मुखर्जी Desirable Daughter, सलमान रश्दी Midnight Children। तो ये तो देखिए इंडियन राइटिंग में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसके बारे में पढ़े होंगे, है ना, A Wounded Civilization के बारे में पढ़े होंगे, थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले यही आता है आपका Wounded Civilization फर्स्ट प्लेस पर आप रख दीजिए, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग और कौन सा है, Identify the correct option in the theorization of nation by Homi के भाभा, तो nation and narration work है, Homi के भाभा के कई सारे concept है, ठीक है। Nation arises from similarities among people, क्या आपको ये बात सही लग रही है, similarities among people, तो एक nation में कोई जरूरी नहीं है कि लोग एक ही तरह के हों, similar होना कोई जरूरी नहीं। Nationalist representation is defined by ambivalence, क्या ऐसा कुछ है, तो कॉन्सेप्ट ही है इनका एम्बिवेलेंस का, तो सही। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंगेजेस विद टू कंट्राडिक्टरी मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो क्या इसमें दो तरीके के कंट्राडिक्टरी होते हैं, नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंगेजेस विद टू कंट्राडिक्टरी मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए अगर किसी की आइडेंटिटी है तो एम्बिवेलेंस तब वो फील करेगा कि समवन इज देयर, अगर वो किसी दूसरे उस प्लेस पर है तब वो फील करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी सही है आपका, एंड देन सी द थर्ड, सॉरी फोर्थ वन ऑप्शन, नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेस आर स्प्लिट बाय द डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट, है ना, डबल नैरेटिव मूवमेंट, तो अगर ऐसा कुछ है, नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेस आर स्प्लिट बाय ए डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट, तो डबल नैरेटिव का क्या मतलब है, जब आप इस वर्क को पढ़ेंगे नेशन एंड नैरेशन का थियराइजेशन, तो वहां पर होमी भाभा ने इसकी भी बातचीत की है कि डबल नैरेटिव मूवमेंट, तो इसीलिए थ्री ऑप्शन। ये बड़े डीपर लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मतलब धुआं धुआं होते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको करना था, कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड अनार्की, टू हेल्प विद कल्चर स्टडीज इन डाइंग कल्चर, नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कैसे आप इसको सही कर सकते हो, तो इसके सही करने का तरीका बड़ा अच्छा है, पूछिए कैसे, इसको सही करने का तरीका कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड अनार्की, है ना, टू हेल्प विद कल्चर स्टडीज इन डाइंग कल्चर एंड देन
नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, मुझे तो लगता है इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है द कल्चर एंड अनार्की जो है ये पहले होना चाहिए, कल्चर एंड अनार्की बी ऑप्शन पहले होना चाहिए। इसमें से इस क्वेश्चन को आपको एक बार चेक करने की जरूरत होगी, क्यों? क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड पहले, सर 168 जनरल ई डब्ल्यू एस क्या नेट पॉसिबल है? हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ओ तारिक मनोक वेलकम। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है आप एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला पहले नंबर पर आएगा, कल्चर एंड अनार्की, क्यों? क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे पहले, बाद में सारे लोग, सबसे पहले मैथ्यू। या तो ये ऑप्शन हो सकता है बी ए डी सी ई, ये वाला, ठीक है? मेरे में थर्ड लिखा हुआ है ना, इसे प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन चले। कौन है भाई यहां पर मेरे साथ, ये मक्खियां भी पड़ रही हैं। चलो नेक्स्ट वन देखें। अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेट्स ऑफ पब्लिकेशन, मिसेल फूको द ऑर्डर ऑफ थिंग, एम के गांधी, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, स्टीफन ग्रीनब्लैट, द स्फीयर, हाउ टू वर्ड बिकम मॉडर्न, एंड डोना हार्वे व्हेन स्पीसीज मीट, टोनी बेनेट, फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म। टोटल एलियन है ना। 176 जनरल कैटेगरी में नेट होगा? हाँ हो जाएगा, पर ना हो जाएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। So, इसका आंसर है आपका ये बी ए ई डी सी। थोड़ा आपको डेट्स इनकी देखनी पड़ेगी, एक बार जरूर देखिए। अब आप कहोगे सर आप डेट्स क्यों लेकर नहीं आए, मेरे पास डेट्स नहीं थी, थोड़ा जल्दीबाजी में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्थर मिलर्स प्लेज, कौन सा आर्थर मिलर के पेज प्लेज के रिगार्डिंग सही है? सो आफ्टर द फॉल इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, इंसिडेंट ऑफ विकी डील्स विद नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, द प्राइस एंटीसिपेट्स anticipates economic crash, the creation of world is not a serio comic rewriting of the story of Jesus, the crucible uses a specific setting to consider the responsibility of artist। Answer है आपका, इनमें से कौन सा सही है? तो सही है ये वाला, after the fall, एक play है इनका, और इसके अलावा guys इनका दूसरा है ये incident of which he deals with Nazi prosecution, ठीक है? तो A और B यही सही है, बाकी incorrect। 130 जनरल कैटेगरी आई थिंक नहीं होगा, कम है, 130-136 ये कम है। देखो जिसका 50% से अबव होगा वो तो काम कर जाएगा, है ना, 50% से अबव होता है तब आप होप कर सकते हो। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अब आगे कर लेंगे, ठीक है? इतने ही क्वेश्चन अभी आज करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। वैसे कितने बचे हैं देख लूं क्या एक बार, ज्यादा नहीं बचे होंगे, अच्छा लास्ट ही बचा हुआ है। Which of the following is not true about Raymond Williams' views on culture? Culture is ordinary. तो देखो ये repeated question है, अगर आप जानते हो। देखिए culture is ordinary, culture is whole way of life, masses do not participate in the creation of culture values, है ना? There exist at least three layers of culture. ये देखिए मैंने आप dominant, residual and emergent ये सब पढ़ाया था मैंने, है ना? और ये masses, तो masses का कोई role नहीं होता है। पूछे क्यों? देखो बात समझो सही सही, क्योंकि देखिए हाई कल्चर और लो कल्चर, तो हाई कल्चर जो है वो कल्चर ऑफ फ्यू है, लो कल्चर जो है कल्चर ऑफ मासेस है, तो लो कल्चर की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, हाई कल्चर की, ठीक। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला, ये तीनों सही है, ये वाला इनकरेक्ट है, यही पूछा गया है। ये पी वाई क्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ, मेरे कल्चरल स्टडीज के में बिगिनिंग का ही स्टेटमेंट ये लिखा है, कल्चर इज ऑर्डिनरी ये भी लिखा हुआ है, और ये कल्चर के बारे में भी मैंने समझाया था, इवन जो मेरे एमसीक्यूज भी है ना कल्चरल स्टडीज के, उसमें साफ साफ है, उसमें साफ साफ ये सारा कुछ लिखा हुआ है, रेसिडुअल, डोमिनेंट और इमर्जेंट इसके बारे में भी समझाया था, जिसने मतलब देखा होगा, समझा होगा, तो वो जानता है। तो बच्चा पार्टी मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी कौन से वाले 50 क्वेश्चन, जो आपका 2023 दिसंबर एग्जाम था। रिमेनिंग 50 questions अपकमिंग सेशन में मैं आपको यानी कल करवा दूंगा, ठीक है? और उनके रिगार्डिंग जो डिटेल वगैरह होगा, काफी कुछ डिटेल और भी ज्यादा कल लेकर आऊंगा, सो दैट जैसे ईयर, पब्लिकेशन डेट, कैरेक्टर, कुछ भी होगा देन विद डिटेल।
ना। और बाकी क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एंड अगर आप पुराने हैं तो बस कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। और बाकी क्या है, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूजीसी नेट, सेट, टीजीडी, पीजीटी, डी, ट्रिपल एस बी और जेएसएससी, पीजीटी, एमडी, ग्रेड वन असिस्टेंट प्रोफेसर से, तो लिटरेचर लवर्स ऐप आप डाउनलोड करोगे। ऐप में सारे कोर्सेज अवेलेबल है। यूजीसी नेट का भी अभी नया बैच आपका, वेट मत करना। अगर आपको लगे कि आपका नहीं होगा, कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो फिर वेट मत करना कि अब बाद में ज्वाइन करेंगे, ये वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द यूजीसी नेट कैंडिडेट्स, तो इसको आप फटाफट ऐप डाउनलोड करके वहां से चेक कर, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कल तक आपके लिए डिस्काउंट भी रहेगा। कल 5th को है तो कल तक आपके लिए डिस्काउंट रहेगा, तो आप आराम से, 10 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाने वाला है, तो बहुत वरीड मत होइएगा, है ना। लिमिट का वरीड होइएगा, जो होना होता है वो तो होगा ही, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच। क्या है हर्षा, 182 मार्क्स में नेट होगा क्या सर? अरे नेट नहीं, जेआरएफ हो जाएगा 182 मार्क्स में हर्षा। यस ठीक है, 176 में भी हो जाएगा, हो जाएगा। आप लोग पहले से ही मुझे लग रहा सिलेक्टेड हो गए, है ना। कट ऑफ के रिगार्डिंग मुस्कान, देखो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस एग्जाम्स लोअर जाएगी। एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द ऑल कैंडिडेट्स, प्लीज मैं आपके लिए एक पोल लेने वाला हूँ ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो अगर आप टेलीग्राम ना मेरा ज्वाइन किए हो, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम है, प्लीज सर्च कर लीजिएगा, आपको लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए है लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, ये इसकी आईडी है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर्च करके। यहाँ पर मैं पोल ले लूंगा और ऑनेस्टली आपका जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस या स्कोर है, जैसे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पूछूं तो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ अगर स्कोर पूछूं तो स्कोर, है ना। यस, तो प्लीज आप सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं कल आपको बिल्कुल प्रिडिक्ट भी कर दूंगा कि क्या आपकी मैरिट जाने वाली है। और बाकी तो ऐसा है कि देखिए जो भी मैरिट जाए, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, वो तो होना है, आप लगे रहो। इस बार नहीं, अगर लगता थोड़ी उम्मीद कम है, अगली बार अपने वीक पॉइंट्स देखिए, देन स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट बच्चा पार्टी एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, है ना। चैलेंज करना है आपको लॉग इन करके, जो भी चैलेंज करना हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, ओके।